और ये रहा जियो फाइबर वाला रिमोट, और इसी से हम गेम प्ले करके दिखाएंगे, गेम खेल के दिखाएंगे, और गेम कैसे इंस्टॉल भी करते हैं वो भी बताएंगे, और खेलते कैसे वो भी बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। और ये देखिए काफ़ी इनमें फीचर आ जाता है, ये देखिए सारा फीचर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ चला सकते हैं। तो हमें अभी गेम खेलना है, तो गेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जियो गेम, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है जियो गेम, इस पर हमें आना पड़ेगा। ये तो जियो गेम के लिए हम ये जियो गेम पे आ जाते हैं, ये देखिए ये फ्री है, इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ये फ्री है। और इसको हम क्या करेंगे, जियो गेम पे लाके मैंने ये ओके वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे, इसमें काफ़ी गेम आ जाते हैं खेलने के लिए। ये देखिए आप इसमें लूडो भी खेल सकते हैं, बाकी कुछ मैं गेम चला के प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ इससे कैसे इसको चलाते हैं, कैसे चला यूज करते हैं, इसमें जो भी आप गेम खेलना चाहें खेल सकते हैं। इसी रिमोट से सेटअप बॉक्स का रिमोट जो जियो फाइबर वाला, इसी रिमोट से हम गेम भी खेल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल हम एक गेम को प्ले कर लेते हैं, अभी हम एक गेम को प्ले करके देखते हैं। तो ये गेम को हम ओपन करते हैं, लूडो ही खेल के देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ये लूडो वाला पे हम ओके करेंगे, ओपन हो रहा है, ये रही ओपन हो गया, अभी ओपन हो रहे हैं। तो इसमें क्लासिक है, स्पीड है, कौन सा आपने खेलना चाहते हैं वो फिर हिसाब से अपने हिसाब से रख ले। तो मैं अभी क्लासिक ही खेल क्लिक करूँगा, क्लासिक ही खेल के देखते हैं। ये दो प्लेयर का हम खेल लेते हैं, ये दो प्लेयर पे हम प्ले करते हैं, ये लो मैंने इस पर दो प्लेयर पे क्लिक कर लिया, ये देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ओके वाला बटन को दबाएंगे, ये देखिए स्टार्ट हो गया, देखिए ये देखिए ये आ गया, इसको हम ये देखिए इसको बीच वाले बटन में जो ओके वाला बटन है इसी से हम खेलेंगे, और इसी को हम प्रेस करेंगे ये आगे निकलेगा, ये देखिए ये देखिए। बहुत ही आसानी से आप गेम खेल सकते हैं, हर कोई गेम, कोई भी गेम इसमें खेल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी हम इसी रिमोट से, देखिए जियो फाइबर का रिमोट से ही, और आपको दूसरी रिमोट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी रिमोट से आपको खेल के मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो बैक करने के लिए इधर बैक का बटन है, इसको हम बैक करेंगे, ये देखो ये बैक करेंगे इसको, और ये इधर एग्जिट है, एग्जिट पे हम इसको नीचे लाएंगे, और ये ओके कर। अब हम दूसरा गेम भी खेल सकते हैं, और इसको अब हम दूसरा गेम भी कोई भी खेल सकते हैं, जैसे कि ये देखिए इससे हम ये देखिए इससे हम रेस देंगे, इसको पीछे करेंगे और इससे रेस देंगे, देखिए इस तरह से काफ़ी इसमें गेम आ जाते हैं, गेम से मतलब खेल सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मान के चलो कोई गेम इंस्टॉल नहीं है, अब उसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ये समझ लो यहाँ पे देखो इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं, तो इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसमें, तो इसको आराम से आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिमोट के ही बटन से ही ओके के बटन को हम प्रेस करेंगे, ये देखिए अभी हम ओके करेंगे, ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। देखिए 64 MB का है ये गेम, तो इस तरह से आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं इसमें आसानी से। ये देखो इंस्टॉल हो गया, तो प्ले का आ गया, ये देखिए आप अब इसको हम फिर क्या करेंगे, ये ओके वाला बटन को प्रेस करेंगे, ये प्ले हो जाएगा, ये देखिए ये लो कंप्लीट स्टार्ट हो गया। ये देखो ट्रेन चलने स्टार्ट हो गया, देखो ये सर्कल जो है ये इसी सर्कल से सारा काम करता है, देखिए ये सर्कल जो है इसी से सारा हम गेम का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, इसी सर्कल से चला सकते हैं, सारा कुछ इधर से ही हम ऑपरेट कर सकते हैं इस तरह। देखिए आप ये देखिए आप बहुत ही आसानी से आप ऑपरेट करके चला सकते हैं।